नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। चंद्रयांगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में आने वाले इलाके गौस नगर और इंदिरा नगर में साउथ जोन DCP श्री वी सत्यनारायण की जानिब से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी घर घर तलाशी मुहिम रखी गई, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को लेकर 12 टीमों में तश्कील देकर एडिशनल DCP ACP फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रयांगुट्टा की मदद से ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान 30 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिस पर DCP V सत्यनारायण ने कहा कि ये किसी भी जराय में मुलविस पाए जाए तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 41 टू व्हीलर जिसके दस्तावेजात बराबर ना होने पर जब्त किए गए, 4 कुंटल राशन के चावल जो गरीबों को ब्लैक में बेचने वाले ग्रोह को भी गिरफ्तार किया गया, और साथ ही उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो अदरक लहसुन में मिलावट करके फरोख्त कर रहे थे। इसके अलावा घरों की तलाशी के दौरान ऐसे घर पे भी तलाशी ली गई जहां पर गैर कानूनी तौर पर मासूम बच्चों को लेकर चूड़ियों का काम किया जा रहा था। पुलिस ने 4 मासूम लड़कों को वहां से निकाल लिया और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। साथ ही DCP V सत्यनारायण ने यह भी कहा है कि आने वाला माह सयाम यानी रमजान के महीने में किसी भी किस्म का कॉर्डन सर्च यानी घर घर तलाशी मुहिम नहीं की जाएगी और चबूतरा मिशन भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये एक माह मुबारक महीना होता है जिसमें इबादतों में वक्त लगाए और आवाम नौजवान लड़के कहीं भी अपना वक्त ना गुजारते हुए इबादतों में अपना वक्त गुजारे। इन्होंने ये भी कहा है कि ये तलाशी मुहिम गौस नगर की आवाम की ख्वाहिश पर की गई, क्योंकि गौस नगर और इंदिरा नगर की आवाम ने हमेशा पुलिस का ताउन किया है, जिसके चलते इन्होंने ये घर घर तलाशी मुहिम मुनाकिद की। साथ ही आवाम के मसाइल की एक छवि की, जिस पर इन्होंने नल लाइट या दिगर कोई गुंडा अनासिर इन्हें तंग कर रहे हो इस तरह की पूछताछ की, अगर इस तरह के कोई वाकयात हो तो पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया। आइए नाजरीन इसी की एक तफसीली रिपोर्ट। चंद्रयांगुट्टा लिमिट्स के अंदर गौस नगर इंदिरा नगर एरियाज में शाम को 200 से ज्यादा पुलिस फोर्स से 12 टीम्स एडिशनल DCP साउथ जोन ACP फलकनामा इंस्पेक्टर चंद्रयांगुट्टा जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ। कई दिनों से गौस नगर से हमको रिक्वेस्ट कर रहे वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के लिए, और 2 दिन में वो रमजान होली महीना शुरू हो रहा है। सारे लोग इबादत में रहते पूरा महीने में, तो उस टाइम में कोई कारण से ऑपरेशन चबूतरा नहीं करेंगे। पूरा इबादत के लिए, प्रेयर्स के लिए सुबह से मिडनाइट तक हमें यही फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश करा। मीनवाइल बहुत सारे रिक्वेस्ट पड़े रहे पुलिस के सामने एक कारण सच के लिए, तो आज एक कारण सच ऑपरेशन इंदिरा नगर गौस नगर में कर दिया। इसमें 30 सस्पेक्ट पर्संस बाहर से भी कुछ लोग आके शेल्टर ले रहे, और 15 रौडी शीटर्स ये पूरा ई फिंगरप्रिंट में लेके उन लोगों को क्या केसेस है, क्या इन्वॉल्वमेंट थे हम वेरीफाई करेंगे। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उन लोगों के ऊपर एक्शन ले लेंगे। इसके साथ 41 टू व्हीलर्स, 4 क्विंटल PDS राइस, वो गरीब लोगों को देने वाला राइस कन्वर्ट करके मार्केट में भेज रहे, तो उनको पकड़ के 4 क्विंटल्स भी सीज कर दिया, उनके ऊपर नॉन अवेलेबल केस रख रहे। और अदरक लहसुन वो वट्टेपल्ली में बना रहे यहाँ ला रहे, वो भी 10 टिन्स
पकड़े गए। रमजान मास महीने आ रहा है, लेकिन ये पूरा पोटैटोस आटास एसिड कलर अदरक लाइसेंस में कलर डालने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग करके बेच सकता है, लेकिन कुछ ही अलग मटेरियल डाल रहा है, पोटैटोस खराब पोट आलू और एसिड केमिकल डाल रहे हैं। ये पूरा पेट के लिए हेल्थ को बीमारी रखेंगे, लॉन्ग रन कैंसर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो उनको ऊपर एक्शन ले रहेंगे, जो बना रहे हैं उनको ऊपर भी एक्शन ले रहा हूँ, स्पेशल टीम वहाँ जाए। और 2 नॉन अवेलेबल वारंट्स भी मिला। और चुड़िया का एक्चुअली 2015 में कारण से चाप प्रश्न में तालाब कट्टा चंद्रयानगुट्टा कंचनबाग एरिया में पूरा कारण सर्च करके ये पूरा 6 लेबर को ख़त्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया। लेकिन चुपचाप के रिश्तेदार रूप से अभी छोटा मोटा वाला कर रहे, आज इन्फॉर्मेशन मिला तो ये, लेकिन घर मालूम नहीं, वो कारण सर्च में मिल गया। वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार वेस्ट बंगाल के आजू रहता है, वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से 4 मासूम माइनर बॉयस 12, 13, 14 ईयर्स, वो 8 ईयर्स भी थे, 8 ईयर्स मतलब इज ए चाइल्ड। तो उनको भी पकड़ा, उनको ओनर्स जो ब्रोकर्स के ऊपर 370-371 जूनियल जस्टिस एक्ट में वो केस लगा रहे। टोटल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आज। ये पूरा कम्युनिटी गौसनगर हमेशा पुलिस का साथ रहते, जो गुड़ुम्बा ख़त्म करने के लिए, राउडीज़म यूटीज़म ख़त्म करने के लिए हमारा साथ रहे, तो उन लोगों को साथ हमेशा हम उन लोगों को हेल्प करने के लिए तैयारी है। पूरा रमजान महीने में भी ये उन लोगों को जो मस्जिद से ट्रैफिक इश्यूज है, वो आने के जाने के टाइम में, वो नाइट बाजार में उन लोगों को कोई तकलीफ परेशानी डिस्कम्फर्ट नहीं होने के लिए हम पूरा कोशिश करें।